हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योर स्मार्ट न्यूज चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबर। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही, सोनिया गांधी ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली, फ्री वैक्सीन की जिम्मेदारी से सरकार ने पल्ला झाड़ा। 18+ उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन की बात कहकर आखिरकार सरकार ने अपना पल्ला क्यों झाड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नया ट्विस्ट देते हुए साफ साफ पूछा है कि आखिरकार देश भर में पहली महामारी के लिए सरकार ने कौन सा प्लान बनाया। जी हां, सरकार के खिलाफ जो है लगातार नोटिस जारी होती जा रही है। कई कोर्टों में जो है इसकी सुनवाई चल रही है कि आखिरकार सरकार के पास ऑक्सीजन आपूर्ति के क्या प्लान है, वैक्सीनेशन के क्या प्लान है, इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। इसी को देखते हुए जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 अप्रैल को बंगाल में 3 रैलियां होने वाली थी प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन उन तमाम रैलियों को रद्द कर दिया गया। और कल यानी कि 23 अप्रैल को ही मोदी सरकार ने जो एक अहम बैठक बुलाई है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो कल फैसला लिया जा सकता है कि देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन के साथ साथ हॉस्पिटल में बेड्स की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कड़क लॉकडाउन की जो घोषणा कर दी गई है। जी हां दोस्तों, कल रात 8 बजे के बाद से ही जो है तमाम जगहों पे पूरी तरह से सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पाबंदी होगी। बाहर से लोग आने वाले तमाम लोगों के लिए, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे मुंबई में, कहीं से भी अगर आप आते हैं तो आपको 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड में रहना होगा। स्पेशली ये नियम लागू किया गया उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि जितने भी पर्यटन के लिए प्रवासी मजदूर जो है भाग भाग कर गए हैं, उन तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। और कई जगहों पर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में कोरोना का जो प्रकोप है एक बार फिर से फैल रहा है। यानी कि अब जो भी लोग गांव से शहर की तरफ यानी मुंबई की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ आएंगे तो उनको 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड में रहना होगा। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से देश भर में कोरोना के जो है रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। एक बार फिर से 24 घंटों में 3,14,000 के मामले रजिस्टर हुए, जो अपने आप में एक सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये आंकड़े आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि कठोर लॉकडाउन की जो घोषणा हुई इसको इम्प्लीमेंटेशन में यानी कि काबू में आने के लिए जो है 2 या 3 दिन का समय और लगेगा, और ये आंकड़े जो है अभी 3 से 3.5 या 4 लाख के करीब भी पहुंच सके। बता दें आपकी जानकारी के लिए, अभी तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मामले हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत से निकल के आ रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी कोरोना के नए मामले आ रहे हैं उनमें से 47% लोग भारत से हैं, तो कहीं ना कहीं जो है भारत में जो है पूरी तरह से सिस्टम फेल हो चुका है। आपकी राय क्या है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको भी लगता है कि सरकार के लापरवाहियों और सरकार की रणनीतियों की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी और सरकार ने सही ढंग से किसी भी चीज़ को जो है इंप्लीमेंट नहीं किया। ना ही कहीं हॉस्पिटल्स बने, ना ही किसी बेड में व्यवस्था हुई, ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था हुई, ना ही देश में ऑक्सीजन की सही जगह से आपूर्ति हो पाई, जिसकी वजह से लाखों लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लगातार कोरोना की वजह से कई लोग जो है बीमार हो रहे हैं और लाखों लोगों की संख्या में रोज नए कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनकी सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में जो उत्पादन में अगर देखा जाए भारत का तो विश्व में पहला क्रमांक आता है, उसके बावजूद भारत में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा जो बताया जा रहा है वो है ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने से। लगातार देश के अलग अलग जिलों से और साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से भी जो है खबरें निकल के आ रही है कि ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति ना होने के कारण कई मरीजों की जान जा रही है। दिल्ली ने भी जो है अपनी तरफ से नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार को कह दिया कि उन्हें भी जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। केंद्र सरकार को कई तरह से कोर्टों ने भी नोटिस दे दिया है कि आखिरकार जल्द से जल्द जो है पूरे राज्य में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहाँ पर तुरंत की तुरंत ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए बिना किसी रिकावट के, चाहे जमीन आसमान एक करना हो तो वो भी कर दो, ये फैसला कोर्ट ने दिया है।